दिल्ली की नौकरशाही पर किसका नियंत्रण मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला दिल्ली सरकार के पक्ष में आने के बाद मंत्री सौरभ भारद्वाज ने IAS YVVJ राजशेखर को अमर्यादित तरीके से उनके पद से हटा दिया था। साथ ही CM आवास विवाद मामले से संबंधित फाइल को अपने कब्जे में लिया था। ऐसा करना अब उन्हें महंगा पड़ गया। 19 मई को केंद्रीय सरकार की ओर से अध्यादेश लागू करने के 2 दिन बाद दिल्ली सतर्कता विभाग सचिव ने एक आदेश जारी कर विशेष सचिव रहे IAS राजशेखर को फिर से पुराने पद पर बहाल कर दिया। दिल्ली की नौकरशाही पर किसका नियंत्रण मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला दिल्ली सरकार के पक्ष में आने के बाद मंत्री सौरभ भारद्वाज ने IAS YVVJ राजशेखर को अमर्यादित तरीके से उनके पद से हटा दिया था। साथ ही CM आवास विवाद मामले से संबंधित फाइल को अपने कब्जे में लिया था। ऐसा करना अब उन्हें महंगा पड़ गया। 19 मई को केंद्रीय सरकार की ओर से अध्यादेश लागू करने के 2 दिन बाद दिल्ली सतर्कता विभाग सचिव ने एक आदेश जारी कर विशेष सचिव रहे IAS राजशेखर को फिर से पुराने पद पर बहाल कर दिया।